आपकी एक और मूवी आ रही है अपकमिंग प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स गौतम आपके फैंस इतने ज्यादा क्रेजी हैं कि वो आपके अपकमिंग के लिए एकदम तैयार बैठे रहते हैं, उन्हें बस ये पता करना है कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो आपकी एक अपकमिंग मूवी आ रही है चंडीगढ़ करे आशिकी, उसमें आप आयुष्मान खुराना के साथ वर्क करते नजर आ रहे हैं, तो क्या उसमें आपका रोल कैसा है, क्या होने वाला है उस मूवी में, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए प्लीज। हमारी बातें चल रही थी, but things did not work out at that point of time because थोड़ा narration different था उनका। I spoke to, he's a very nice guy, but उनका जो narration था थोड़ा different था। जब मैंने script पढ़ी end में, तो वो I was not happy with the what was given to me, so वो मेरा जो उसमें रोल था वो मुझे इतना नेगेटिव, उसमें वो नेगेटिव का ही रोल था, कुछ विलन था, बट इट वाज नॉट दैट कैरेक्टर वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड प्रॉपरली इन द स्क्रिप्ट हाउ आई टोल्ड इन इन द नरेशन। एंड मोमेंट सेड नो फॉर इट दैट यू नो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दिस, इफ यू एस्टैब्लिश कैरेक्टर अ बिट मोर हाउ यू नो इन लॉट ऑफ एवरी स्मॉल कैरेक्टर इज एस्टैब्लिश्ड, विलन इज एस्टैब्लिश्ड, everyone established character no are ka kehna, to wo establishment thodi isme weak thi, isliye fir maine end moment pe I left her, but that's okay because you know abhi aapne itna powerful character kar liya aur uske baad ab aapke sare aise hi sare roles ko aapke fans judge karne wale hain, dekhne wale aur pasand karne wale, and I've heard ki aap right now bahut hi zyada choosy ho gaye hain scripts ko leke, aap pehle padhte hain aur aapko sahi lagta hai kyunki kaam ki to ab aapko bilkul kami hogi nahi, आए दिन नई नई स्क्रिप्ट आ रही होंगी, बट देन आपको चूज करना है कि आपको कैसा कैरेक्टर करना है, बिकॉज वो पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है आगे किसी भी चीजों को लेकर के। सो जो honestly I don't want to disappoint anyone out there, all the fans who have been there who is supporting me right now because they like my work in the finally after so many years, you know, जैसा मैं सोचता था वैसा मैं कर रहा हूँ अभी, तो मुझे खुशी है, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा कुछ भी ऐसा चूज करके कि जहाँ पे मुझसे कोई गलत फिल्म साइन हो जाए या गलत जो अच्छे से रिलीज ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो अभी मैं शांति से बैठा हूँ, आई एम लाइक आई एम गोना चूज द बेस्ट वन एंड होपफुली लाइक वेरी सून जब भी हम लोग साइन करते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आप जो नेक्स्ट रोल करें वो जितने पॉपुलर आप अभी हैं इस रोल की वजह से उससे डबल एंड ट्रिपल पॉपुलर हो नेक्स्ट रोल्स की वजह से। सो अब हम एक वन वर्ड क्वेश्चंस खेलेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ अ गेम, इसमें आपको जस्ट जल्दी जल्दी आंसर देना है इन अ वन वर्ड, ओके? वेरी बैड एट इट बट आई विल ट्राई। ओके तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है योर बॉलीवुड क्रश। बॉलीवुड क्रश एक्चुअली नोबडी। कम ऑन गौतम, सीरियसली? Yeah, seriously, honestly. Okay. मैंने ये expect नहीं किया था वैसे। No, no, honestly, I like Kylie Jenner actually. So my second question is, अगर आपको choice दी जाए between a romantic character versus the villain character, आप क्या choose करेंगे? I will choose a mixture of both. Mixture? You know, I would choose to. Thing like Dar, you okay. know. Okay. Yes. Dar, like, who is passionate about love, where you can connect with the love side of this guy, and at the same time, that guy is crazy mental. So I would love to be that, where you end of the day when he's dying also, so you can feel the pain of this guy, you know. So both, or maybe a film like, you know, when I see Badlapur. Of my kind of film, I would love to do something like that. Yeah, you have seen a series called You. Have you seen this series called You? Netflix? No, not yet. It is about a guy who's a stalker. He's a nice guy, but he's a killer. And so, but you feel karoge his character. It's amazing. So something like that. गौतम सिंस आपसे बात हो रही है और बिग बॉस की बात ना हो
दिस इज हाईली इम्पॉसिबल. ओके तो ऑफकोर्स हम सब आपको बिग बॉस की बहुत सारी चीजों से जानते हैं. सबसे पहले आपका जो एंथम था वी लव गौती, ऑफकोर्स वो एंथम तो सबके दिमाग में है. और यू वोंट बिलीव, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको ऐसे इंटरव्यू पे देखा और मुझे वही एंथम दिमाग में आ रहा था, ओ ये तो दैट एंथम इज लाइक होना चाहिए था पीछे बैकग्राउंड में. सो ऑफकोर्स आपने तब भी सलमान खान के साथ काम किया है. ऑफकोर्स बिग बॉस में सलमान खान आपको सपोर्ट करते हुए दिखे हैं, आपको मतलब समझाते हुए दिखे हैं चीज़ों को लेकर के. इन सेट्स पे भी वही चीज़ थी, तो क्या डिफरेंस था इस बार सलमान खान के साथ आपका बॉन्डिंग वाइज या फिर किसी भी चीज़ के वाइज? एंड ऑफकोर्स आपने बिग बॉस जीता है तो डिफरेंसेस उस टाइम पे हमारी बातचीत नहीं हो पाती थी बिग बॉस के टाइम पे, बिकॉज सर बाहर होते थे और इतना इंटरेक्शन नहीं था विद ईच अदर. But the only difference is that this time it was all in front. So we're sitting together, talking together, being together. Oh, then you know each other as a person. So I, you know, वो ही एक difference है कि हम लोगों की यहाँ पे अच्छी friendship bond हो गया. You know, like हम एक दूसरे को समझने लग गए. तो वो चीज़ भी मुझे समझा कि हाँ I am a person. तो he still says you are still the same guy. You know, you're like a, you know. The way he knew me, so he even told me like मैं तुझे तब भी बड़ा पसंद करता था. Yes. You know, so you're a nice guy. मैं बस उनसे ही बोला मैं कि सर आप पसंद करते हो मुझे, मेरे लिए ये बड़ी चीज़ है जानना. It's an amazing to be liked by someone who is liked by the whole country and even people abroad. ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट हो गया आपके साथ. आप इतना पसंद करते थे सलमान भाई को उस टाइम पे भी, एंड देन जब उन्हीं की मूवी में एक रोल हुआ तो क्या मतलब फर्स्ट क्या एक्सप्रेशन था आपका? ओ माय गॉड, लाइक जैसे मिस इंडिया में करती नहीं है एक्ट्रेसेस, ओ माय गॉड दिस क्राउन, ये वही था एग्जैक्टली. से भी ऊपर प्लस और तरह की हो रहा है मेरे साथ, यू नो. सो ही वाज वेरी स्वीट, ही इज अ वेरी काइंड मैन. आई थिंक पीपल शुड नो दिस, यू नो. कई बार मैं, यू नो, व्हेन आई सी, यू नो, ट्रोलिंग समटाइम्स ऑनलाइन, आई फील हर्ट एक्चुअली मायसेल्फ. आई फील हर्ट व्हेन आई सी ट्रोलिंग. इट फील्स वेरी, आई फील वेरी इफ हिम हाउ ही इज एज अ ह्यूमन बीइंग. ही ऑलवेज हैज अ कांस्टेंट स्माइल ऑन हिज फेस, ऑलवेज विल टेल यू टू डू बेटर फॉर, ऑलवेज वुड गिव यू पॉजिटिव वाइब्स, ऑलवेज विल टेल यू to, you know, to help people, to do something for them. I've seen him doing that. So I think that, you know, he's some next level man. You know, people should know this. People should actually, you know that this man is actually someone who's there for people. He likes to help. And he, more than that, he's a very nice human being, always smiling. कभी मैंने उनको ऐसा नहीं देखा कि मूड खराब है या कभी कुछ है. हमेशा मेंटेन करते हैं, मूड खराब में भी हर चीज मेंटेन करते हैं. बहुत सबसे दोस्ती प्यार मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छे आदमी है वो. तो कभी कभी मैं आड़ा जड़ा लिखा देखता हूँ ना, तो मुझे मन करता है कि इंटरनेट पर घुस के ना उनको पकड़ के ना दो चार ना, यू नो, सीरियसली बहुत सही है इंसान, नाइस ह्यूमन बीइंग ऑल द लव. ये हर किसी सेलिब्रिटी के साथ होता है, सम पॉजिटिव कमेंट्स, सम नेगेटिव कमेंट्स. यू नो कैसे लोग हैं अभी सब, कुछ अच्छी बातों में भी वो गलतियां निकाल ही लेते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट थिंग. एंड आई थिंक यही सबसे बड़ी बेकार बात है, जब आप एक सेलिब्रिटी बनते हो तो आपको सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है. एंड टॉक अबाउट सलमान खान, जितने भी लोगों ने उनके साथ काम किया है सबसे पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले हैं. सबको वो हेल्प करते हैं इंडस्ट्री में, स्पेशली न्यू कमर्स को या कोई भी हो, सबके साथ एक जैसा बिहेव करते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. ये तो इट्स रियली कमेंडेबल. यू सी एग्जांपल ओनली, लाइक यू नो, जिस तरीके से उन्होंने कास्ट किया पिक्चर में, इट वाज, एंड यू नो, नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी पड़ी, कहीं कुछ नहीं, सेट पे बुलाया, हेयर स्टाइल चालू और कपड़े वपड़े बनना चालू, वही शूटिंग अगले और 5-7 दिन में शूटिंग चालू हो गई एंड ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई उसी दिन से. सो ये कौन करता है आज के टाइम पे किसी के लिए? I think as a, you, we have nobody like him in the industry. People delay your life actually. आपको रुकवा देते हैं, even if you are talented enough, रुकवा देते हैं, काम नहीं होने देते, या फिर काम वेट करते हैं आपके किसी काम के आने की, 3-4-5-6 साल बर्बाद हो जाते हैं, तो एक्टर डिप्रेस हो जाता है, तो बड़ी चीजें होती हैं. This man is just all heart. This he is all love. अगर if he sees you are innocent, you are a good actor, he would see that, he would help you.
एंड विदाउट इवन आस्किंग विदाउट इवन यू आस्किंग ही विल हेल्प यू. एंड सबसे अच्छी चीज ये कभी ना ऐसा नहीं रिटर्न में कुछ नहीं मांगते. रिटर्न में बस ये स्माइल फॉर मी यू नो सो दिस इज हाउ ही इज. ही इज वन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. दैट्स वेरी नाइस. So, Gautam, last but not the least, अभी छोटा सा गेम और है. इट्स लाइक कि आपके जितने भी कैरेक्टर मैं उनका नाम लूंगी और आपको उनके मूवी में उनका क्या कैरेक्टर है उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना. डिस्क्राइब नहीं करना, एक वर्ड में बताना है. दैट इज इट. ओके ओके. सो फर्स्ट इज दिशा पाटनी. वेरी एलिगेंट. ओके. सेकंड वन सलमान खान. ऑफ कोर्स. You know, the mega star of the industry. Okay. Randeep Huda. Badass. Gautam Gulati. Cool. Cool and calm. Cool and calm. Okay. That's very nice. So Gautam, one final question. आप क्या कोई ऐसा message देना चाहते हैं अपने viewers को, अपने fans को जिन्होंने आपको इतनी भर भर की बधाइयाँ दी हैं और हर जगह से appreciate कर रहे हैं? Anything? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे expected नहीं था, but मुझे actually में इतने messages आ रहे हैं, इतने messages, thousands of messages I'm getting. I feel very happy कि मैंने एक जगह पे भी ऐसा review नहीं देखा, किसी ने ऐसा बोला कि यार इसने अच्छी acting नहीं की, इसने खराब काम किया. तो ये सब व्यूअर्स की वजह से. तो मैं इतना ही बोलूंगा, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर फॉर लविंग माय लुक, लविंग माय कैरेक्टर इन द फिल्म एंड गिविंग मी सो मच लव. आई रियली फील हैप्पी एंड आई फील लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल द पीपल आउट देयर फॉर सपोर्टिंग मी राइट नाउ. एंड आई प्रॉमिस दैट व्हेनेवर आई कम बैक इन फ्यूचर विद समथिंग नाइस, आई विल नॉट डिसअपॉइंट देम. एंड मैं भी होप करती हूँ कि जब भी आप नेक्स्ट अपकमिंग में आए तो आपको इससे बहुत 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 ज्यादा प्यार मिले एंड हम सब इस चीज को सेलिब्रेट करें. एंड थैंक यू सो मच. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू गौतम. यू आर सच अ वेरी जेनरस पर्सन, जेनरस ह्यूमन बीइंग. मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप विलन की एक्टिंग इतनी अच्छी कर सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आप रियल लाइफ में इतने ज्यादा पॉजिटिव, इतने ज्यादा अच्छे हैं. बट आई थिंक ये हमारे बॉलीवुड विलन्स का है. जितने भी आपको एकदम हार्ड कोर विलन्स दिखेंगे ना, वो रियल लाइफ में इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे कांट सेव हिम. सो थैंक यू वेरी मच. इट वाज लवली टू स्पीक टू यू एंड जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स. ऑफ कोर्स. आई मीन फैंस तो पागल हो रहे हैं आपके. सो जल्दी जल्दी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करिए, जल्दी जल्दी इंटरव्यूज करिए एंड दैट्स ऑल वी वांट. डन 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 डन. आपको जल्दी खबर मिलेगी कुछ भी करूंगा तो. ओके. Thank you so much, Gautam. No worries. You're welcome. Take care. Bye-bye.